आप लोगों के मन में कभी न कभी ये सवाल आया ही होगा कि जैसे मार्वल में नॉर्स गॉड्स और ग्रीक गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या वैसे ही मार्वल में इंडियन गॉड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका आंसर है जी हाँ, मार्वल में भी इंडियन गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं और इवन लॉर्ड शिवा की फाइट तो थॉर के साथ भी हो चुकी है। तो अगर आप लोग को मार्वल में एग्जिस्ट करने वाले इंडियन गॉड्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मार्वल कॉमिक्स में इंडियन गॉड्स को देवाज के नाम से जाना जाता है, जो कि निर्वाणा नाम की एक डायमेंशन में रहते हैं। और मार्वल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो तरह के प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, जिसमें पहला है लोक और दूसरा है अलोक। और इंडियन गॉड्स जहाँ पे रहते हैं यानी कि निर्वाणा, वो लोक का हिस्सा है। और मार्वल ने इंडियन गॉड्स को दिखाने के लिए डिवाइन मदर आदित्य का कॉन्सेप्ट उठाया है, जिसमें हमें बताया जाता है कि डिवाइन मदर आदित्य के गोल्डन बूम से एग्जिस्टेंस में आते हैं इंडियन माइथोलॉजी के त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये पूरा कॉन्सेप्ट इंडियन माइथोलॉजी से ही लिया गया है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि सारे देवता डिवाइन मदर यानी कि आदित्य के ही संतान हैं। और वही मार्वल में एक और मदर एग्जिस्ट करती हैं, जो कि है दिति, और सारे डार्क बींग्स जैसे कि राक्षसराज और असुरराज इनकी ही संतान है। लेकिन हमारे इंडियन माइथोलॉजी में सिर्फ डिवाइन मदर आदिति का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जिनसे कि हमारी त्रिमूर्ति एग्जिस्टेंस में आए। और इन त्रिमूर्तियों के अलावा मार्वल में हमें और भी इंडियन गॉड्स दिखाए गए हैं, जो कि निर्वाणा में रहते हैं, जैसे कि लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड रामा, गॉडेस सीता, लॉर्ड कृष्णा, गॉडेस काली, गॉडेस लक्ष्मी, लॉर्ड इंद्र, गॉडेस सरस्वती, लॉर्ड सूर्य जैसे और देव। और एक बार कॉमिक्स में लॉर्ड शिवा और थॉर की फाइट हो चुकी है, जब थॉर लॉर्ड शिवा से निर्वाणा में लाइफ फोर्स कलेक्ट करने आता है, तब लॉर्ड शिवा थॉर को लाइफ फोर्स देने से मना कर देते हैं। और तब इन दोनों ही गॉड्स में फाइट शुरू हो जाती है, जिसे कि थॉर थोड़ी देर में आसानी से जीत जाता है, जिसके वजह से मार्वल को लॉर्ड शिवा के फॉलोअर्स से हेट मिलने लगता है। जिसके वजह से मार्वल ने स्टोरी में थोड़ा सा चेंज करके हमें ये बताया कि इंद्रदेव लॉर्ड शिवा का वेश बना के थॉर से लड़ रहे होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।